शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ उग्रदानी तर्कादर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवदत्त महादेव की कृपा से आप और हम कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि से श्रवण कर रहे हैं। आज कथा का विराम दिवस है। रुद्राक्ष महोत्सव 2024 7 मार्च से 13 मार्च तक आयोजित किया गया, जिसका आज विराम दिवस है। भावों से आनंद से ये पवित्र शिव महापुराण की कथा जो 7 दिवस से लगातार चल रही है आज विराम लेने जा रही है। कथा के मुख्य यजमान श्री कैलाश भाई छोटा भाई जी पटेल अमेरिका से हैं। श्री स्वर्गीय सीताराम जी सोमानी, स्वर्गीय भवरी देवी सोमानी जी की स्मृति में सोमानी परिवार सूरत से हैं। स्वर्गीय मीरा जी, स्वर्गीय आशुतोष जी अग्निहोत्री की स्मृति में हरगोविंद जी अग्निहोत्री द्वारा सागर से हैं। स्वर्गीय कमला देवी दरवासा, स्वर्गीय फतेह सिंह जी, स्वर्गीय रघुवीर सिंह जी, स्वर्गीय रोशन सिंह जी स्मृति में रावल प्रशिव रोशन जी द्वारा छिपाने इंदौर से हैं। जय श्री बहन जयंती लाल बेपरिया राजकोट गुजरात से हैं। स्वर्गीय प्रकाश जी त्यागी, अनुराग जी त्यागी जी की स्मृति में लोकेश त्यागी, मंजू त्यागी द्वारा दिल्ली से हैं। राजेंद्र मोहन जी नोटियाल, मीना जी नोटियाल पुत्री प्रीति नोटियाल दिल्ली से हैं। स्वर्गीय गोवर्धन लाल जी की जी सुमित्रा देवी जी की स्मृति में पुत्र संतोष राधा महेश्वरी जी इंदौर से हैं। प्रमोद दीपक जाधव, दीपक किशन राव जाधव, आशा किशन राव जाधव, रोशनी प्रमोद जाधव धूलिया से हैं। संजय माणिकचंद जी गवते, बाला प्रसाद जी ओझा सोलापुर से हैं। सत्यनारायण रायदयाल मालपानी जी संभाजीनगर से हैं। चंद्र चक्रेश कुमार जैन, अरुण जैन, रुचिकुणाल जैन दिल्ली से हैं। स्वर्गीय मथुरा प्रसाद जी, राम देवी जी, चंद्रभान जी चतुर्वेदी जी की स्मृति में चतुर्वेदी परिवार झांसी से हैं। विनय जी पंचाल, नीना जी पंचाल मुंबई से हैं। उषा जी, सोनाली जी, रूपाली जी द्विवेदी, विनय कुमार जी हमीरपुर से हैं। नीलेश शिल्पा कोठारी मुंबई से हैं। बलदेव सिंह ठाकुर, रामावतार सिंह ठाकुर, अंजलि ठाकुर गुड़ियारी रायपुर से हैं। प्रभांशु कटियार, रक्षा कटियार, सुभाष चंद कटियार बेंगलोर से हैं। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करते हैं, अभिनंदन, जिन्होंने भगवान शिव की अविरल कथा को, भगवान शिव की अविरल कथा को आप और हमको श्रवण कराने का सौभाग्य दिया। ये शिव तत्व ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर, जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले ऐसे देवदत्त महादेव भगवान शिव, कुबेरेश्वर बाबा की यह पवित्र भूमि जहां कंकर शंकर के रूप में विराजमान, इस पवित्र धरा पर आप जहां तहां बैठकर भगवान शंकर की विरल कथा को श्रवण कर रहे हैं और भगवान शिव की विरल भक्ति को प्राप्त कर रहे हैं, और यह भरोसा, यह विश्वास मानकर चलना कि इस धरा पर जो भी आया है वो खाली नहीं गया है। ये जितने यजमान परिवार यहाँ पर बैठे हुए हैं सबके मुख पर एक ही बात है, गुरुदेव अगले वर्ष फिर बाबा ऐसी कृपा करें, फिर हमको यजमान पद दे, ऐसी कृपा बाबा हमारे पर करें। क्योंकि उसकी कृपा बिना कुछ नहीं हो सकता, उसकी दया के बिना कुछ नहीं। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का, हे गंगा मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शक्ति नारायण शंभु तार तार तू। बाबा ने ऐसी कृपा करी है, भगवान ने ऐसी उदारता करी है, भगवान देवदत्त महादेव की ऐसी करुणा है। लोग कहते हैं गुरुजी हमें दुनिया के लोग बड़ा दुख देते हैं, दुनिया के लोग हमको बड़ा ताना देते हैं, दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं, कष्ट देते हैं। अब शब्द भी बहुत बोलते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है
दुनिया के लोग अगर आपको अपशब्द कर रहे हैं, दुनिया के लोग यदि आपको ताना दे रहे हैं, दुनिया के लोग अगर आपको गाली दे रहे हैं, दुनिया के लोग यदि आपको आड़े तेरे शब्द कर रहे हैं, तो आपको प्रसन्न होना चाहिए। कारण बमोल के पेड़ पर कोई पत्थर नहीं मारता, जितने भी मारते हैं फलदार वृक्ष पर ही लोग पत्थर मारते हैं। आप में कुछ क्वालिटी अच्छी होगी, कुछ गुण अच्छा होगा, कुछ आपका रुतबा अच्छा होगा, कुछ भगवान ने आपको अच्छा दे रखा होगा, आप में कुछ अच्छा होगा, इसलिए लोग आपको ताना देते हैं। जो फलदार वृक्ष है ना, जिसमें फल होता है ना, उसी के ऊपर पत्थर मारा जाता है। जिसमें कुछ भी नहीं उसको कौन मारे। और जितने इस कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर बैठकर कथा को सुन रहे हैं और लाइव आस्था चैनल के माध्यम से फेसबुक यूट्यूब पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितने अपने अपने घरों में रहकर या इस पंडाल में बैठकर जहां तहां बैठकर इस कथा को सुन रहे हो, ये अंदाजा लगा कर रखना कि तुम साधारण नहीं हो, तुम फलदार वृक्ष हो। इसलिए थोड़ा सा मत, तुम फलदार वृक्ष हो, साधारण वृक्ष नहीं हो। संसार में जन्म लेने वाला एक भी मनुष्य कोई साधारण नहीं होता। आप अपनी क्वालिटी को निखारने का प्रयास करो। मेरे भोले बाबा ने अगर तुम्हें संसार में जन्म दिया है, हमने पहले भी कहा कि एक पति पत्नी अपने कमरे के अंदर जिस कक्ष में सोते हैं उसमें कबाड़ा नहीं रखते, उसमें अटाला नहीं रखते। पति पत्नी जिस कक्ष में सोते हैं, जिस कमरे में सोते हैं, उसमें अटाला नहीं रखते, उसमें कबाड़ा नहीं रखते, उसमें व्यर्थ का सामान नहीं रखते। उसी तरह ये पृथ्वी पूरी मेरे भोलेनाथ की है, तो भोलेनाथ भी इसमें कबाड़ा नहीं रखते, उसमें अच्छो पूरी रखते। बोल ब्रह्म का नारा है। यहां भोले बाबा अगर किसी को रखा है संसार सागर में, मृत्यु सागर में, तो कोई कबाड़ा नहीं रखा, उसने अच्छा रखा। पर हम फिर कहेंगे, अगर आप कुबेरेश्वर बाबा के धाम में आए हो, बाबा के दर्शन करने के लिए आए हो, कंकर शंकर पूजन करने के लिए आए हो, आप रुद्राक्ष महोत्सव में आए हो, चाहे रुद्राक्ष उत्सव के बाद में या पहले, कभी भी आप बाबा के दरवाजे पर पहुंचे हो, तो ये समझ लेना कि बाबा कंकर शंकर की भूमि पर कुबेरेश्वर धाम में वही पहुंचता है जिसको भोलेनाथ दोनों हाथों से देना चालू करता है। जिसको देना चालू करेगा उसको ही बुलाया गया, उसी को बुलाया जाता है, बुलाता ही नहीं। आज वो सोमानी जी अभी आए थे, कह रहे थे गुरु जी ऐसी कृपा करना कि बस आप जजमान में हमारा नाम लिखते चले जाना। अमेरिका वाले भैया आए थे, ऐसी कृपा बना कर रखना कि हम जजमान बनते रहे। वो धुलिया वाली बहन आई थी, वो कह रही थी आप ऐसी कृपा करना हम जजमान बनते रहे। कई बहने वो सोलापुर वाले आए, बस ऐसी कृपा करो बनते रहे। वो अहमदाबाद वाले गुजरात वाले आए, ऐसी कृपा करो बनते रहे। वो महेश्वरी जी इंदौर वाले आए, ऐसी कृपा करो। वो दिल्ली की थी नोटिया, तो ये सब एक वो बहन कर रही थी पंचाल मुंबई वाली जजमान। 2021 से बाबा से प्रार्थना कर ली, कहाँ है ये कर ली 2021। इसको माइक दे जरा, पहुँचा माइक, ये जजमान के पास माइक भेजो, कुर्ती भेजो कुर्ती। दशा सुना रही थी कि जब मैं बाबा के दरवाजे पर आई थी तो मेरी दशा क्या थी। वो दशा कह रही थी कि मैं जब बाबा के दरवाजे पर जब 2021 में या 20 में जब उन्होंने बताया तो समय पर मैं पहली बार यहाँ पहुंची थी, तो मेरी दशा का कोई गणना ही नहीं कर सकता कि मेरी ऐसी या तो मेरी दशा क्या थी। उसने अपने शब्दों में यह वर्णन किया। हेलो हेलो, श्री शिवाय नमस्ते, प्रणाम गुरुदेव। मैंने सन 2021 में रुद्राक्ष अवसर के उसने कथा सुनने एक दिन के लिए आई थी। मैंने ये मान करी थी कि 5 साल में बाबा मेरे को भी यहाँ कुबेरेश्वर धाम में एक दिन के लिए या 7 दिन के लिए कुबेरेश्वर धाम में मेरे को रुद्राक्ष अवसर के उसने कथा में जजमान बनने का मौका मिल जाए। बाबा ने मेरी 5 साल तो नहीं पूरे हुए, 4 साल में ही मेरी मान पूरी करी। एक दूसरे को पहुंच जाएगा, एक दूसरे को पहुंच जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरु जी, जब पहली बार मैं 2021 सितंबर में आई थी तब मेरे पास यहाँ आने के ट्रेन के पैसे भी नहीं थे। बाबा हमें अभी हमें भी एक बार यजमान बनाओ। 3 साल से बाबा से प्रार्थना करते थे कि हमें भी एक बार यजमान बनाओ। आज बाबा ने हमारी इच्छा पूरी की है। बाबा की कृपा, बैठे शिव तत्व और अपने भरोसे पर, मेरे कुबेर भंडारी के विश्वास पर कह सकता हूँ। आपको भरोसा है कि नहीं मेरे भोले बाबा पे, हमको नहीं मालूम, पर हमारे को तो हमारे बाबा पर इतना भरोसा है, उसके भरोसे पर कह सकता हूँ कि आप ही में जितने लोग बैठे हैं ना उसमें से ही, और जितने लोग टीवी पर सुन रहे हैं दिल से बाबा से प्रार्थना कर उनमें से फिर अगले साल जजमानों की लाइन लगी पड़ेगी। फिर खाली नहीं भेजता, उसका नियम है। आपने अगर दिल से उसकी आराधना करी है ना, दिल से उसको गुणगान किया है, दिल से उसका स्मरण किया है, वो खाली नहीं भेजेगा। लोग कहते हैं ताना देती है दुनिया, अपशब्द कहती है दुनिया, कहते हैं तुम फलदार वृक्ष।
एक बार माता पार्वती जी माता लक्ष्मी जी से मिलने के लिए गई और माता लक्ष्मी जी ने पार्वती जी को अपशब्द कहे। लक्ष्मी जी कहती है मेरा सोने का नगर बसा हुआ है, मेरा वैकुंठ बसा हुआ है, सोने के बंदरवाल, सोने के तोरण द्वार, सोने के कलश लगे हुए। पार्वती तेरा जीवन क्या है? एक गुफा में तू अपनी जिंदगी निकाल रही है, शमशान में अपनी जिंदगी निकाल रही है और मेरा जीवन देख में वैकुंठ का निवास करती है। तुम्हारे पति नेत्र बंद कर बैठे रहते हैं, मेरे पति शेषनाग की सैया पर शयन करते हैं, मैं चरण दबाती हूँ। मेरे यहाँ रोज 56 भोग बनते हैं पार्वती, और तेरे यहाँ आकड़िया की रोटी बनाई और काकड़िया की साग, उसी का भोग लग जाता है। पार्वती जी को जब शब्दों के बाण लक्ष्मी जी ने छोड़े हैं, पार्वती जी को जब शब्दों के बाण छोड़े गए लक्ष्मी जी ने, जब एक से ऐसे ऐसे शब्द लक्ष्मी जी ने पार्वती को कहे, तब पार्वती की आंख से जल झलक गया अश्रु। और हमने एक बार पहले भी कहा था, राजा होना श्रेष्ठ है, तुम्हारे कर्म के अनुसार तुम राजा बन सकते हो, कुर्सी तुम्हें तुम्हारे कर्म के अनुसार मिल सकती है, यहां की कुर्सी तुम्हारी डिग्री के अनुसार मिल सकती है, यहां का पद तुम्हारी मार्कशीट से मिल सकता है, यहां की पदवी तुम्हें तुम्हारी मार्कशीट से मिल सकती है, तुम्हारी डिग्री से मिल सकती है, पर वहां तुम्हारी ये कागज की डिग्री काम नहीं आएगी, जो तुमने किसी प्यासे को पानी पिलाया और भूखे को भोजन कराया वो डिग्री काम आएगी। कागज की डिग्री केवल तुम्हारी यहीं तक है, तुम डॉक्टर बने, कलेक्टर बने, एसपी बने, डीएसपी बने, कमिश्नर बने, मंत्री बने, तंत्री बने, कलंत्री बने, तुम्हारी मर्जी पड़े जो बनो, तुम्हारी डिग्री केवल यहीं तक काम आएगी, पर तुमने तुम्हारे उस डिग्री का सदुपयोग करते हुए किसी के आंख के आंसू पोंछ दिए, किसी के प्यासे को पानी पिला दिया, किसी भूखे को भोजन करा दिया, किसी बच्चे के पढ़ने की रुचि थी उसकी एजुकेशन करा दी, किसी को दवाई की जरूरत थी उसको मेडिकल दिलवा दिया, ये तुमने जो करा ये वो डिग्री है जो तुम्हारी यहां तो काम आई रही है, साथ में तुम्हारी 71 पीढ़ी के लिए काम आई है, तुम्हारी ऊपर काम ये वो डिग्री है। हम बारंबार पहले भी कह चुके हैं, मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा, अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। जो परमात्मा ने अपने को बनाकर भेजा है वैसा हम क्यों ना करें, अपने कर्म का बोध अपने को भोगो, कुछ अच्छा करने का प्रयास करो। कई लोग कह देते हैं सीओर वाले महाराज ने तुमको बुलाया, तुम्हें छाती ठोक कर कहना चाहिए उनकी हिम्मत नहीं कि वो बुला ले, हमें तो कुबेर भंडारी ने बुलाया। ऐसे बुलाने के लिए तो तुम्हारे को टीवी पे 24 घंटे ना जाने कितने रोज बुलाते रहते हैं, हमारे यहाँ सदम आओ, तुम हमारे यहाँ आओ, तुम हमारे यहाँ पहुंचो, बोलो ईमानदारी से बोलो, रोज टीवी पे कजन कितने को देखते होगे, रोज बुलाते होंगे, पर तुम क्या सब दूर जाते फिरते हो? नहीं, क्योंकि वहां बुलाने वाला इंसान है और कुबेरेश्वर धाम पर बुलाने वाला देवरी महादेव है। यहाँ कोई मनुष्य नहीं बुला सकता, यहाँ पंडित प्रदीप मिश्रा की सामर्थ्यता नहीं कि तुमको बुला ले, हमारी सामर्थ्यता नहीं कि हम आपको कुछ खिला दे, हमारी सामर्थ्यता नहीं कि हम आपको बिठा दे, हमारी सामर्थ्यता नहीं कि हम आपको ये टेंट और पंडाल बहुत सारे लगा दे। आप खुद अपनी चादर तान कर, आप खुद अपने साथ में पन्नी लेकर, चादर लेकर, छाता लेकर बैठते हो, ये कोई दूसरी कथाओं में ऐसा दीदार ऐसा दर्शन नहीं होता, पुराण में होता। सामर्थ्यता नहीं किसी मनुष्य की कि कोई किसी को बुला ले, वो बुलाने वाला भी वही त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी है। पार्वती जी को ताने दिए गए, अपशब्द कहा गया, माता पार्वती जी के नैनों में जल झलक गया और माता पार्वती सीधे भगवान शंकर के पास पहुंच गई। शिव जी के पास में बैठकर माता पार्वती जी आंख से आंसू बहा रही थी और भोलेनाथ जी ने पूछी, ओघरदानी भगवान शंकर ने पूछा, पार्वती क्यों रो रही है? क्या शंकर भगवान को मालूम नहीं था कि पार्वती क्यों रो रही है? क्या शिव जी को नहीं मालूम था कि पार्वती की आंखों में आंसू क्यों है? एलईडी चालू करिए, पीछे की एलईडियां दिखा लीजिए। क्या शिव जी को नहीं मालूम था? क्या ओघरदानी को नहीं मालूम था? क्या त्रिकालदर्शी को नहीं मालूम था कि पार्वती जी रो क्यों रही है? माता पार्वती जी के नैनों में अश्रु क्यों है? किस लिए रो रही? शिव महापुराण की कुमार खंड कहता है,
कि एक पत्ता भी अगर हवा में हिलता है तो महादेव के कानों में भनक पड़ जाती है कि कोई पत्ता हिल रहा है। यहाँ श्रीमद् भागवत कथा में, श्रीमद् भागवत जी में 18,000 श्लोक के उस आनंदमय ग्रंथ में, शिव महापुराण के उस पुराण के अंदर वर्णन किया गया कि चींटी पांव में नुपुर बांध ले तो भगवान को सुनाई दे जाता है कि चींटी भी चल रही है। नुपुर बांध ले तो चींटी के नुपुर की आवाज परमात्मा सुन लेता है। आप रोज शंकर जी के मंदिर में जाकर अगर उसको पुकारोगे तो क्या वो तुम्हारी आवाज नहीं सुनेगा? वो चींटी के नुपुर की आवाज सुन लेता है। पत्ता हिले तो पत्ते की आवाज को पहचान जाता है कि पत्ता क्यों हिला। चलो और समझ में आ जाएगा तुमको, सरल भाषा में समझिएगा। दशरथ जी ने जो बाण छोड़ा था श्रवण कुमार के ऊपर, जो बाण लगा था उसका नाम था शब्द भेदी बाण। शब्द को सुनकर दशरथ जी ने बाण छोड़ा था, वो बाण जाकर श्रवण कुमार को लगा। जब एक शब्द का बाण, शब्द सुनने पर दशरथ बाण छोड़ देते हैं और वो बाण जाकर हिरण को लगने की जगह श्रवण कुमार को लगता है, केवल जल की आवाज कोसों दूर सुनाई दी तो दशरथ जी ने बाण छोड़ दिया। उसी तरह अपने भक्त की आवाज जब भगवान के कानों तक आती है तो त्रिशूल छोड़ देता है। एक भक्त की आवाज जब उस तक पहुंचती है तो त्रिशूल छोड़ देता है। एक लड़के ने अपनी मम्मी से जिद करी कि मैं 7 साल से नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा हूं और 7 साल हो गए मुझे नौकरी में अप्लाई करते करते, तो सीहोर वाले महाराज की कथा सुनती है। तो अगर मान लो उन्होंने कहा है कि कावड़ यात्रा में जाना, सीहोर की कावड़ भरा रही है कुबेर भंडारी की, और मैं कावड़ यात्रा में जाऊंगा क्या मेरी नौकरी लग सकती है? क्या केवल दुनिया के लोगों ने, आप टीवी पर जब सर्च करेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे, यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो कई बड़े बड़े अधिकारी कावड़ ले जाने वालों पर कमेंट्स करते हैं, मूर्ख घर में पड़े रहो, क्यों गंगा जी का जल भर रहे, क्यों पैदल 1 किलोमीटर तक चल रहे हो, पागल हो, जो इतने किलोमीटर तक पैदल चलकर जा रहे हो, जल भरकर जा रहे हो, कावड़ भरकर जा रहे हो, ये तो अज्ञानी लोग भरते हैं, ये मूर्ख लोग भरते हैं, ये ढोंगर प्रपंच है, ये अंधविश्वास है। कई बड़े बड़े आला अधिकारी उनको टोकते हैं जो कावड़ लेकर जाते हैं। अब उनको कौन बताए, उनको कौन बताए कि तुम्हारी जिंदगी दारू के नशे में गुजरती है, कावड़िया की जिंदगी गंगा के जल में गुजरती है, कावड़िया की जिंदगी गंगा के जल में गुजरती है। वो साधारण नहीं होता जल भरने वाला। उस बच्चे ने अपनी माँ से कहा कि मैं सीहोर की कावड़ भरने जाऊंगा, मेरी नौकरी लेकिन 7 साल हो गए मुझे नौकरी के लिए। तो उस पत्र को देखिए जो बच्चे ने भेजा। मैं रजनी सुरेंद्र नायक ग्राम पिपरिया करकट जिला सागर से आया, कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। ग्राम पिपरिया करकट जिला सागर से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर यह है, मैं 1 लोटे जल का कावड़ यात्रा का वर्णन करना चाहती हूँ। विराम दिवस की कहीं बैठी हैं क्या, दिख रही हैं? हाथ हिला दो, चैनल वाले उसको खींच कर ले, हमको तो नहीं दिख रही है पर चैनल वाले उसको खींच कर ले। मैं कावड़ यात्रा का वर्णन करना चाहती हूँ। आपने कथा में कह दिया कि कुबेरेश्वर बाबा की कावड़ भराई। मेरा बेटा यशराज नायक आर्मी के लिए कई साल से अप्लाई कर रहा था पर उसका नहीं हुआ। आखिरी में उसने कहा कि कावड़ भरने से मेरी नौकरी लग सकती है। मैंने अपने बेटे से कहा कि तू एक बार शंकर के मंदिर में जा और कुबेरेश्वर बाबा की कावड़ भरकर आ। 2023 की मैंने मेरे बेटे से कावड़ भरने को कहा और बाबा की मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, जो उसका 7 साल से सिलेक्शन नहीं हुआ। 2023 की कावड़ भरी और बाबा की कृपा ऐसी हुई, ऐसी कृपा बाबा ने कर दी, मैं क्या वर्णन करूं। मेरे बेटे का इंडियन आर्मी में सिलेक्ट हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया। मैं अपने बेटे का फोटो भी लगा रही हूं, जिसने आपका पार्थिव शिवलिंग का निर्माण सावन के महीने में जो आपने कराया था, मेरा बेटा घर में बैठकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण भी कर रहा है, उसका भी फोटो लगाया। और दूसरा जब उसका इंडियन आर्मी में हो गया उसका भी मैं फोटो लगा रही हूं। माता जी आपको धन्यवाद, साधुवाद, बेटी बहुत बहुत बधाई। विराज एक बार हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्कार, बधाई। शिव तत्व की प्राप्ति क्या नहीं देता शंकर, वो ओघड़ी है। एक चींटी के पांव में भी नुपुर बनता है तो उसकी आवाज सुन लेता है, पीपल का पत्ता भी हिलता है तो उसकी आवाज सुन लेता है। वो देवत्व महादेव है। व्यक्ति अभी भरोसा नहीं करता पर जब बाबा की कृपा उस पर बरसती है, कोई दुख उसकी जिंदगी में सामने खड़ा होता है, तब वो भगवान शिव का स्मरण करता है। एलईडी चालू करिए, एलईडी वाले एलईडी पर ध्यान दें। शिव तत्व की प्राप्ति होती है और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं सांस तेरी कृपा से तनु तनु, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का। आप उसको दिल से कहेंगे वो दिल से सुनेगा, आप उसको पुकारेंगे वो आपके सम्मुख में होगा, आप उसको नमन करेंगे आपके नमन को वो स्वीकार करेगा। नमन को सुखा
एक लड़की आस्था की बच्ची आई, मैं सुलोचना चौहान 40 अष्टविनायक आस्था नहीं 40 अष्टविनायक नगर देवास मध्य प्रदेश से आई है। कहीं बेटी हो तो हाथ हिला सकती, अष्टविनायक नगर देवास मध्य प्रदेश से आई हूँ। बाबा को मैं नमन करती हूँ, केवल आपकी परीक्षा लेने के लिए आई है। ठीक है, परिवार वालों ने कहा पंडाल में कथा सुनने का फल मिलता है। मैंने भी सोच लिया कि जाकर देखती हूँ, मेरी नौकरी नहीं, मैं भी देखूं 7 दिन कथा का क्या फल मिलता है। 5 दिन की कथा सुनी, घर पर कोई कार्य आने के कारण मुझे जाना पड़ रहा, और मैंने बाबा से केवल नौकरी के लिए मांगा था कि मेरी सर्विस लग जाए, और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मैं जैसे ही मेरा मोबाइल यहाँ चल नहीं रहा था और मैं बाहर निकली, वैसे ही मेरे मोबाइल पर मेरी नौकरी का कल लेटर आ चुका था। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए वापस आई, मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए वापस आई, मैं तो परीक्षा करने आई थी। क्या होता है कथा सुनने से? मैं सुलोचना चौहान 40 अष्टविनायक नगर देवास मध्य प्रदेश से हूं। क्या होता है? शिव तत्व से, भगवान शंभू की भक्ति से, भगवान शंकर के भजन से, भगवान शंकर के स्मरण से। अरे वो शिव है, वो घड़ी है, शंभू है, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, अविनाशी है। उसको जो समझ गया ना उसका जीवन सार्थक हो गया, जो नहीं समझा ना वो रह गया। ढोंग में बिल्कुल मत पड़ो, अंधविश्वास में बिल्कुल मत पड़ो, गलत जगह पर बिल्कुल मत जाओ, कहीं गलत विचार में मत पड़ो, पर इतना जरूर करना कि शंकर जी के ऊपर एक लोटा जल समर्पित करना कभी मत भूलना। शिव महापुराण अंधविश्वास से दूर है। शिव महापुराण कभी यह नहीं कहती कि तुम ये जादू करना या कोना करना या ये करना। शिव महापुराण एक बात कहती है, शंकर जी के मंदिर में जाना, बेलपत्र चढ़ाना, शिव जी के मंदिर में जाना, झाड़ू लगाना, शंकर जी के मंदिर में जाना, शमी पत्र चढ़ाना, शंकर जी के मंदिर में जाना, श्वेत पुष्प चढ़ाना, शंकर जी के मंदिर में जाना, कमलगट्टे का जल चढ़ाना, शंकर जी के मंदिर में जाना, काली मिर्च चढ़ाना, शंकर जी के मंदिर में। जो शिव पुराण के अंदर लिखा हुआ एक एक शब्द जितना इस व्यासपीठ से बोला जाता है, और आज से नहीं सालों से व्यासपीठ से जो शंकर की कथा में जो जो बताया जाता है, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लाओ, उसको पढ़ो, किसी और वाले महाराज ने कहां से पढ़कर बोला है उसको पढ़ो निकालो, और ज्ञात होना चाहिए कि कहां से बोला गया है। काली मिर्च घड़दानी दे दूर करो दुख मेरा, अरे त्रिभुराई रे दूर करो दुख मेरा। आप जब कहें उसको वो सुने आप। ओ डमरू वाले आते लाद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट जाए। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं छूटे न जाए। Bye.